आज इस दरगाह में 25,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेहत, देश भारत की प्रोग्रेस और पीएम साहब की 2024 में वापसी के लिए कामना करी। हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया और हमारे सियासतदानों ने जल्द से जुलूसों में अवाम को ये बताया कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है। तो ये जो वीडियो है, आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? भारतीय मुसलमानों के लिए जो कुछ भी मोदी जी ने किया है वो इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। पाकिस्तान में जो बताया जाता है कि मुस्लिम्स पर इतना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि अगर उधर के मुस्लिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो वो तो सर मतलब कहते हैं हम बड़े खुशहाल हैं, पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत आप मर गया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद है, महंगाई आपने बात की, कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़े मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे आवाम कुचले जा रहे हैं उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और खास शख्सियत बन चुके हैं? आज पूरी दुनिया में देखा जाता है किस तरीके से 140 करोड़ देशवासी हमारी मजबूत लीडरशिप के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया के अंदर हम पैगाम दे रहे हैं अमन प्यार मोहब्बत का। आप देखिए कि पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस रहा है या हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि इंडिया को अरब से दूर रखा जाए, वो प्लानिंग भी फेल हो गई है। हम जितना मर्जी चीख लें, जो मर्जी कर ले, दुनिया जो है वो अपने मुफादात के पीछे भागती है। स्टेबिलिटी भी नजर आती होगी ना इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की ब्लैक बुलेंगी कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दे। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो। जय हिंद दोस्तों, भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के सदस्यों ने नागपुर के बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर चादर चढ़ाई और प्रार्थना की। इस दौरान कई धार्मिक नेता अल्पसंख्यक समुदाय के प्रचारक मौजूद रहे, जहां मौजूद सदस्यों ने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है जहां सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी की सेहत और सलामती की दुआ मांगी। वहीं इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की को फाउंडर हिमानी सूद ने कहा, आज इस दरगाह में 25,000 लोगों से ज्यादा ने शिरकत की है और पीएम मोदी की सेहत और भारत की प्रोग्रेस और पीएम साहब की 2024 में वापसी की कामना करी। उन्होंने आगे कहा, आज जहां इतना जोश है, आज जहां देख के लगता है कि पूरा भारत ही उमड़ पड़ा है और पीएम साहब को 400 पार कराने का सपना आज उनका नहीं बल्कि हर भारतीय का है। वहीं अजमेर दरगाह के हाजी सैयद सलमान ने कहा, आज नागपुर की पावन धरती पर इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि किस तरीके से 140 करोड़ देशवासी हमारी मजबूत लीडरशिप के साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे रहे हैं अमन प्यार और मोहब्बत का। हमने 77 सालों में अपने बच्चों को किताबों में ये पढ़ाया और हमारे सियासतदानों ने जल्द से जुलूसों में अवाम को ये बताया कि जो इंडिया है वो जो है एक ऐसी कंट्री है जो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन जो वीडियो आ रही है हम देख रहे हैं कि इंडिया के मुसलमान उनके हाथ चूम रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, आपको नहीं लगता कि हमें बेनकाब कर रही है कि भाई हमने बहुत झूठ बोले हैं? देखिए, मैं ना आज तक इंडिया गया हूँ, ना मैंने जाके उधर देखा कि पर्सनली उधर हो क्या रहा है, फिजिकली हो क्या रहा है। देखें, हम लोग दूसरों पे बातें कर रहे हैं, हम अपने मुल्क में मुसलमानों के साथ नानसाफी कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात कैसे उठा सकते हैं? अपने बात मोदी की कर रही थी कि दूसरे मुसलमान हाथ चूम रहे हैं उनके, तो देखें ना, अगर उसने कुछ किया होगा बेहतर तो कर रहे हैं। देखिए, मैं जाके देख नहीं सका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसने कुछ बेहतर किया है, आप इंडिया की स्टेट देख लें, अभी वो मेरा ख्याल है उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें, 2027 में आई थिंक वो चाइना के वो कम्पीट करने लग जाएंगे। अब देखें चाइना को कितनी ज़्यादा तरक्की कर लिया उन्होंने, मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इन्वाइट किया था, आप हमारे कंट्री है, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। अब ये देखो हुआ है, ये आप ये देखें कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने अपनी बना ली है। अब YouTube की बात कर लें, उनका सीईओ कौन है? इंडिया का है। उसके बाद आप बात कर लें गूगल, उसका सीईओ वर्ल्ड बैंक, इंडिया का वर्ल्ड बैंक। जितने देखें, गोरों ने इंडिया पे हुकूमत की, अब जाके गोरों का जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है वो इंडिया का बना हुआ है। ऐसा ही है ना, आप इंडिया को आप इंडिया को मत कर रहे हैं, इंडिया की इस वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा इज्जत है, उन्होंने खुद बनाई है, उन्होंने एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं की। हम इधर पाकिस्तान में बैठ के भी इंडिया वालों की भी लेग पुलिंग कर रहे हैं कि हम मोदी के ऊपर ना जाने दे। यार वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करता है तो उसको कर लेने दो। भारतीय मुसलमानों के लिए जो कुछ भी मोदी जी ने किया है वो इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इससे पहले तक जब से मोदी जी हैं, उसके पहले की जितनी भी सरकारें नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है।
अब जाकर जो उन्होंने पिछले 10 सालों में बदलाव देखे हैं, मुसलमान समाज के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसको देखकर उनको समझ में आता है कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा सरकारों ने किया है। सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की गई यहाँ पर, और उस वोट बैंक को साधने के लिए मनमानी करने दी गई लोगों को, और उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया गया। एक एग्जांपल सबसे बड़ा मैं जो मानती हूँ जो मोदी सरकार का, वो ये है कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की जो जंजीरें थी उससे आज़ादी दिलाई, और मुस्लिम महिलाएं अब कानूनी दायरे के अंदर आती हैं, उनकी जो इस तरह की जितनी भी विक्टिम्स होती थी वो सही धाराओं में अपने लिए मांग नहीं कर पाती थी इंसाफ की, अब कानून है वो पुलिस कोर्ट कहीं पे भी जाकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर सकती हैं। ये बड़ा बदलाव है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर नजर आती है। उनके मैनिफेस्टो में सारे मुद्दे हैं, और जो जो कोई भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मसला मुद्दा रखा है उस पर वो लगातार ताबड़तोड़ काम करते नजर आ रहे हैं। चाहे राम मंदिर की बात करें, 370 की बात करें, 3 तलाक है, UCC की बात हो, CA को लेकर अमित शाह जी कह ही चुके हैं कि हम चुनाव से पहले CA लेके आएंगे, NRC को लेकर भी चर्चाएं होती हैं। तो जितने भी आपको रोकूंगा, लेकिन ये जितने भी मुद्दे आपने गिनाए हैं इसमें तो जो मुस्लिम वॉइसेस हैं वो तो इसके बरखिलाफ दिखती हैं। असुद्दीन ओवैसी को हम सुनते हैं, उनका तो दुख जो है वो बयान, मैं इन सबको नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आम लोगों की मुस्लिम समाज की बात कर रही हूँ। तो ये तो सेल्फ स्टाइल्ड और सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स हैं। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और खास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल, जाहिर बात है, कहां से कहां पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा कि भाई वहां पे जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीजें करो, जो भी वो गाड़ियां वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इम्पोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज्यादा अहम चीज, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हर चीज के ऊपर दुनिया के ऊपर छाई जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी भाई पीछे गाड़ियां निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं मेनली चीजें। तो यही मैं कहूंगा, अगर आप मोदी के टेन्योर में देखें तो इंडिया ने कितनी तरक्की किया भाई ने, जैसे कि आप IT देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, अब उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मेड इन इंडिया आपको हर चीज मिलेगी। वो लोग बाहर से चीजें एक्सपोर्ट नहीं करते, इंपोर्ट हमारे कंट्री का देख ले, बाइक से लेके एक छोटे बच्चे के खिलौने तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप इंडिया में देखें, इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री से कितने लोगों के घर चलते हैं, एक फर्म लग गई है उससे कितने लोगों को मिलती है। देखें, अगर आप एज अ ह्यूमन देखें तो नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है, उसके टेन्योर में चंद्रयान हुआ, उसके बाद वो ट्रेन ऐसी, यूरोप ने मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेन इंपोर्ट करवाई हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी ट्रेन हैं, वो अपनी कंट्री के लिए अच्छा करें। ये इंडिया के पास हर चीज़ अपनी है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम जो है हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे बैठे हुए, हमारे जो अच्छे लोग हैं वो बिहाइंड द बार्स हैं, आपको नजर आना कि बिहाइंड द बार्स हैं, उनके जो अच्छे लोग हैं बाहर खड़े हैं, उनको पता है वो एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहे, उनको पता है कि जी हमारा कंट्री अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो हम उसका मजीद साथ देंगे तो वो प्रोग्रेस।